भारत पाकिस्तान बंटवारे का फैसला दोनों देशों के लिए इतिहास में सबसे ज्यादा दुखद घटना है, क्योंकि विभाजन के दौरान हजारों की जाने गई, लाखों घर उजड़े और इसके साथ ही हमेशा के लिए एक ही जमीन दो दुश्मन देशों के रूप में तब्दील हो गई। भारत पाकिस्तान का विभाजन दुनिया में सबसे अनोखा विभाजन इसीलिए भी रहा है क्योंकि दोनों देशों ने स्वतंत्रता का जश्न पहले मनाया और विभाजन की घोषणा बाद में हुई। इसी मौके पर आज हम आपको भारत पाकिस्तान बंटवारे से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहे हैं। पहला, बंगाल में दंगे। भारत की आज़ादी के पहले मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा से 16 अगस्त सन 1947 को कलकत्ता में भीषण दंगे शुरू हो गए थे। इसके बाद बंगाल बिहार की सीमा में भी भीषण दंगे भड़क गए थे। बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी पर भी दंगे भड़कने के आरोप लगे थे। गांधी जी ने बंगाल व बिहार के दंगे वाले इलाकों का दौरा किया और शरणार्थियों के पुनर्वास की कोशिश शुरू की। गांधी जी की बातों का जब लोगों पर कोई असर नहीं हुआ तो वे अनशन पर बैठ गए। सितंबर 1947 में उनके उपवास ने कलकत्ता में दंगे बंद करवा दिए। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने उनके सामने हथियार भी डाल दिए थे। यह वह समय था जब देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। दूसरा, एक साल पहले मिली आज़ादी। स्वतंत्रता संघर्ष के अंतिम चरण में भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर बहस चल रही थी, लेकिन स्पष्ट तस्वीर उभर नहीं पा रही थी। ऐसे में 3 जून 1947 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे से संबंधित योजना का खाका प्रस्तुत किया। इसके बाद ब्रिटेनी सरकार ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा भी कर दी कि भारत को जून 1948 तक स्वतंत्रता कर दिया जाएगा। इस तरह ब्रिटेनी हुकूमत की और एक साल तक भारत में रहने की मंशा थी, लेकिन देश में हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ते हिंसा के चलते जल्द ही फैसला लेना पड़ा और इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। तीसरा, बंटवारे के बाद 40% रेल लाइन पाकिस्तान के हिस्से में। जम्मू एंड कश्मीर की रियासत अगस्त 1947 तक किसी भी पक्ष में जाना तय नहीं कर पाई थी। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमानों की एक बड़ी संख्या होने के कारण अपने पक्ष में कराना चाहता था, पर हिंदू महाराजा अक्टूबर 1947 के अंत में भारत के साथ शामिल होने के लिए सहमत हो गई। विभाजन के बाद पाकिस्तान को एक तिहाई भारतीय सेना, 6 महानगरों में से 2 महानगर और 40% भारतीय रेल लाइनों को दिया गया। भारत और पाकिस्तान को सीमाओं में बांटने वाले सिरिल रेडक्लिफ बंटवारे के बाद कभी भारत नहीं आए। चौथा, इसीलिए चुना गया 15 अगस्त का दिन। ब्रिटेनी हुकूमत द्वारा भारत को आज़ादी दिए जाने की तारीख पर विचार किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच अंग्रेजी सरकार के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख चुनी। दरअसल माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 15 अगस्त 1945 को ही जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन अलाइडा फोर्सेस के कमांडर थे, इसलिए उन्होंने 15 अगस्त की तारीख भारत की आज़ादी के लिए चुनी। पांचवा, इसीलिए दिल्ली बनाई गई राजधानी। दिल्ली दरबार में पहली बार किंग जॉर्ज अपनी रानी क्वीन मेरी के साथ मौजूद थे। उन्होंने 80,000 लोगों की मौजूदगी में घोषणा करते हुए कहा, हमें देश की जनता को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार और मंत्रियों की सलाह पर देश को बेहतर ढंग से प्रशासित करने के लिए ब्रिटिश सरकार भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करते हैं। इस फैसले का मुख्य कारण ये भी था क्योंकि दिल्ली देश के बीच में थी, ऐसे में यहाँ से देश भर में अंग्रेज आसानी से राज कर सकते थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर 13 फरवरी 1931 को दिल्ली देश की राजधानी बनी। आज़ादी के बाद नई भारत सरकार ने भी दिल्ली को ही राजधानी बनाए रखा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें।